हेलो एवरी वन यू आर वॉचिंग क्या इंग्लिश सो गाइज़ आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेरी वेल जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपको लगता हो कि भाई हमें सामने वाले से पूछना नहीं है हाई हैलो हवे यू भी नहीं करना तो हम एक लाइन में बोल सकते हैं होप यू आर डूइंग वेरी वेल होप यू आर डूइंग फिंटेस्टिक होप यू आर डूइंग वंडरफुल सो गाइज़ ये तो हमारी लाइन है जो हम समय समय पर सीखते रहेंगे बट अभी स्टार्ट करते हैं हम बिगनिंग से बिगनिंग में हम अभी छोटी छोटी लाइन्स ईजी लाइन्स बोलना सीखेंगे टफ़ लैंग्वेज पर भी नहीं जाना है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है आज एक नया स्ट्रक्चर सीखेंगे जो आपको बोलने में हेल्प करेगा आपकी जो जनरल भाषा है उसमें काफ़ी काफ़ी मेन स्ट्रक्चर है जो हम जनरली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं देखते हैं क्या है देखिए कैन यू हेल्प मी इन एक्शन प्लस आई एन जी एक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कोई भी एक्टिविटी जो हम काम करते एक्शन की बात करेंगे जैसा कि जाना खाना रोना पीना बैठना खड़े होना ये सब हमारे एक्शंस हैं जो भी हम काम करें देखना बोलना ये हमारे सब एक्शंस हैं सो वे इसका मैं आपको पहले मतलब बता देती हूँ फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात करेंगे कैन यू हेल्प मी इन मान लेते हैं मैंने आपको बोला एक एक्शन नीचे से ले लेते हैं मैं स्कूल गई और स्कूल में मुझे ऐसा प्रोजेक्ट मिला जो शायद मुझे बनाने में प्रॉब्लम हो रही है जैसे कि हम साइंस प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं अक्सर हमें साइंस में ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं प्रोजेक्ट्स में जो मान लेते हैं अगर हमने स्कूल में उसे सीखा भी है या हमने कोई क्लास ऐसी मिस कर दी जिसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो हम घर पर आते हैं और अपने बड़ों से पूछते हैं जैसा कि हमारी बड़ी बहन बड़े भाई या कोई भी घर में बड़ा जो ऑलरेडी हमसे ज़्यादा हायर एजुकेशन कर चुका हो हम उससे पूछते हैं कि भैया क्या आप मेरी ये प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प कर दोगे तो गाइज अगर हम इसे इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश की लैंग्वेज में हम इसे देखते हैं कैसे सीखेंगे देखिए कैन यू हेल्प मी ये हमारा किसी से भी हेल्प मांगने का एक तरीका है कैन यू हेल्प मी क्या मेरी आप मदद कर सकते हैं अब मान लेते हैं मैंने आपसे बोला कैन यू हेल्प मी तो आप बोलेंगे यस मैम आई कैन हेल्प यू आप उसने क्लियर भाषा में बोलेंगे यस मैम आई कैन हेल्प यू अब इस चीज़ को और भी ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं आप क्लैरिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा देखिए गाइज लैंग्वेज में हम जितनी भी क्लियरिटी से बोलें उतना सामने वाले को अच्छा समझ में आता है जैसा कि मैंने आपको बोला कि भाई आई एम वॉचिंग मैं देख रही हूँ आपके माइंड में एक इमेज बन गई कि मैम कुछ ना कुछ देख रही है मान लेते हैं मैंने आपसे फ़ोन पे बात की और मैंने बोला आई एम वॉचिंग आई एम वॉचिंग टी तो आपको समझ आ गया कि मैं टी देख रही हूँ ठीक है बट इसे और क्लैरिटी से बात करते हैं मैंने बोला कि आई एम वॉचिंग सीरियल तो आपको और क्लियर हो गई हमारी लैंग्वेज और क्लियर हो गई और मैंने आपको बोला कि भाई मैं सीरियल देख रही हूँ मान लेते हैं मैंने बोला कि भाई मैं न्यूज़ सुन रही हूँ आई एम लिसनिंग टू न्यूज़ अगर मान लेते हैं मैंने बोला कि भाई मैं सॉन्ग सुन रही हूँ आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स तो कोई भी भाषा हो मैं हो सकता हो आपको बोलूँ भाई आई एम लिसनिंग आई एम लिसनिंग समथिंग मतलब मैं कुछ भी सुन सकती हूँ आई एम लिसनिंग टू माई मॉम मम्मी सामने बैठी है मम्मी बोल रही हूँ मैं सुन रही हूँ तो गैज हमें अपनी भाषा थोड़ी सी क्लियर करनी है अब जैसा कि यहाँ पे हम बात करते हैं कैन यू हेल्प मी कैन यू हेल्प मी तो आपको बोलना आता ही होगा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं अब हमें यहाँ पे क्या करना है यहाँ पर मैं एक्शन की बात कर करनी किस काम में मदद करने की बात कर रहे हो आप मान लेते हैं मैंने आपसे बोला कैन यू हेल्प मी आपने बोल दिया हाँ हाँ यस मैम आई कैन हेल्प यू अब मैंने बोला आपको कि भाई क्या आप मेरी मदद कर सकते हो एरोप्लेन उड़ाने में तो फंस जाएंगे ना यहाँ पे आप सो इसी लिए हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि अगर सामने वाला हमसे हेल्प मांग रहा है तो वो किस चीज़ में मांग रहा है हो सकता हो आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हो मैंने आपसे बोल दिया कैन यू हेल्प मी इन मेकिंग प्रोजेक्ट ऑफ साइंस अब मान लेते हैं मैंने आपको केवल इतना बोला कैन यू हेल्प मी आपने बोला Yes आई कैन हेल्प यू मैंने कहा ठीक है आप घर पे आ जाना मुझे थोड़ा सा काम है आपसे आप घर पे आ गए जब आप घर पे आए आपने देखा कि मैं तो साइंस की सब चीज़ें लेकर बैठी हूँ मुझे आपसे डिस्कशंस करने हैं साइंस से रिलेटेड तो वहाँ पे आप फेल हो जाएंगे इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें अपनी लैंग्वेज को क्लियर रखना है सामने वाले को समझ में आना चाहिए तो हमने क्या किया एक कि स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया आसानी से कोई टिपिकल नहीं बनाना हमने क्या किया एक्शन लगा दिया यहाँ पे मेक ठीक है और मेक में हमने लगा दिया आईएनजी कैन यू हेल्प मी मेकिंग प्रोजेक्ट किसी से भी पानी किसी से भी आपको बात करनी हो भाई आप प्रोजेक्ट बनाने में, में मेरी मदद कर सकते हैं क्या कैन यू हेल्प मी इन मेकिंग प्रोजेक्ट डिपेंड आप पे करता है आप हाँ भी कर सकते हो यस आई कैन हेल्प यू और आप मना भी कर सकते हो नो आई कैन नॉट हेल्प यू आपने मुझसे बोला कि मैम आप मेरी स्केच बनाने में मदद कर सकते हो क्या तो मैं आपको बोलूँगी नो आई कैन नॉट हेल्प यू आई कैन नॉट हेल्प यू ठीक है आई होप दिस स्ट्रक्चर इज़ क्लियर टू यू थोड़ी सी हम और बात करते हैं आगे की जैसा कि मान लेते हैं प्रिपेयर फूड हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट तो की बात कर ली प्रिपेयर फूड की बात करते हैं खाना बनाना आपने मुझसे पूछा कि मैम क्या आप मेरी खाना बनाने में मदद कर सकते हो तो आप पूछेंगे कैन यू हेल्प मी इन प्रिपेयरिंग फूड अगर आपको प्रिपेयर नहीं बोलना आ रहा है तो प्रिपेयर प्लस आई एन जी तो आपको इसकी जगह कुक भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है कैन यू हेल्प मी इन कुकिंग द फूड तो गाइज़ अगर मैं अपनी अपनी बात करूँ तो मैं आपको बोलूँगी यस आई कैन हेल्प यू ठीक है अगर मुझे मना करना होगा मुझे खाना बनाना नहीं आता है तो मैं बोलूँगी आई कैन नॉट हेल्प यू बात हमारी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी बट हम इंडियंस की बात कर लेते हैं अगर आप यू एस कल्चर में देखेंगे तो आप देखेंगे उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आपको ये एड्रेस पता है तो वो सिंपली बोल भाषा में बोलेगा नो no. या आप बोलो या वो आपको अगर उसको पता भी होगा तो वो आपको बोल देगा येस आई नो एड्रेस अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडियन कल्चर क्या होता है कि एग्जैक्टली exactly हम किसी से भी हेल्प की बात कहते हैं तो शायद वो सामने वाला आपकी हेल्प ना कर पाए बट वो आपको एक ऑप्शन दे देता है जैसा कि <coughs> अभी हम खाने की बात कर रहे थे आपने मुझसे पूछा कैन यू हेल्प मी इन मेकिंग फूड तो मैं बोलूँगी नो आई कैन नॉट हेल्प यू मैं आपकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि तो मुझे खाना बनाना नहीं आता है ठीक है बट मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया बट माई मॉम कैन हेल्प यू मेरी मम्मा को खाना बनाना आता है तो मेरी मम्मा आपकी मदद कर सकती है, but my mom can help you. हैं बट माई मॉम कैन हेल्प यू प्रोजेक्ट की फिर से बात करते हैं प्रैक्टिस करते हैं कैन यू हेल्प मी इन मेकिंग प्रोजेक्ट तो मैं आपको बोलूँगी आई कैन नॉट हेल्प यू बट माई सिस्टर कैन हेल्प यू इन मेकिंग प्रोजेक्ट्स क्योंकि मेरी सिस्टर के पास साइंस है और आप साइंस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो शी कैन हेल्प यू ठीक है क्लीन द हाउस आपने मुझसे पूछा कैन यू हेल्प मी इन क्लिनिंग दाउस तो मैं आपको बोलूँगी यस आई कैन हेल्प यू क्लिनिंग दाउस बात को अगर हमें आगे बढ़ाना है प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है डिपेंड हम पे करता है हम और भी इसे बढ़ा सकते हैं जवाब देने में आई कैन नॉट हेल्प यू क्लीनिंग द हाउस बट माई सिस्टर कैन हेल्प यू क्लीनिंग द हाउस ठीक है डू प्रिपरेशन फॉर पार्टी अगर पार्टी की बात करें तो आप प्रिपरेशन भी करते होंगे बहुत सारी हो सकता हो आप दो तीन दिन चार दिन पाँच दिन और कभी कभी शादियों की बात करें तो हम एक एक दो दो महीने पहले भी प्रिपरेशन करते हैं कैन यू हेल्प मी इन डूइंग प्रिपरेशन फॉर द पार्टी तो मैं आपको जवाब दूंगी यस आई कैन हेल्प यू इन डूइंग प्रिपरेशन फ़ॉर द पार्टी मुझे मना करना है तो मैं बोलूँगी आई कैन नॉट हेल्प यू उसके बाद देखिए लिफ्ट द गिफ्ट्स बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े हैं आपको गिफ्ट्स को उठाने के लिए बोलना है भाई आपने जितना आपके हाथ में आ सकते थे आपने गिफ्ट्स उठा लिए तो आपने देखा सामने आपका मान लेते हैं भाई खड़ा है तो आपने भाई से बोल दिया या मान लेते हैं कोई ऐसा पर्सन खड़ा है जिससे आपको थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी तो आप उससे कहेंगे कैन यू हेल्प मी इन लिफ्टिंग द गिफ्ट्स अगर उसके ऑलरेडी हाथ रिजर्वड होंगे या वो ऑलरेडी किसी चीज़ को होल्ड किया हुआ होगा या होगी तो वो आपको मना कर देगा आई कैन नॉट हेल्प यू इन लिफ्टिंग द गिफ्ट्स अगर उसको हाँ कहना होगा तो वो बोलेगा येस yes. आई कैन हेल्प यू इन लिफ्टिंग द गिफ्ट्स उसके बाद देखिए फिल द वाटर पानी भरने की प्रैक्टिस कर सकते हो टीच <coughs> आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मैम आप मेरी मदद कर सकते हो क्या स्पोकन इंग्लिस बोलने में कैन यू हेल्प मी इन ट्रेनिंग या टीचिंग स्पोकन इंग्लिश तो मेरा जवाब आपके लिए होगा येस आई कैन हेल्प यू ट्रेनिंग यू स्पोकन इंग्लिश ठीक है अगर बात करें आप स्पेनिश लैंग्वेज की अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम कैन यू हेल्प मी इन ट्रेनिंग स्पेनिश लैंग्वेज तो मेरा जवाब होगा नो आई कैन नॉट हेल्प यू इन स्पीकिंग और इन स्पोकन स्पेनिश लैंग्वेज ठीक है सॉल्व नुमेरिकल्स नुमेरिकल्स की बात कर सकते हैं फाइंड अ जॉब कभी कभी हमें जॉब की ज़रूरत होती है हम लोगों से कहते हैं कि भाई मुझे जॉब की ज़रूरत है क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे कि हम कैसे जॉब को ढूंढें हम कैसे गूगल पे सर्च करें या हम कैसे अपना रेज्यूमें क्रिएट करें तो आप बोल सकते हो कैन यू हेल्प मी इन फाइंडिंग अ जॉब उसके बस में होगा तो वो बोलेगा येस आई कैन हेल्प यू फाइंडिंग अ जॉब बट अगर उसे मना करना होगा तो वो बोलेगा आई कैन नॉट हेल्प यू इन फाइंडिंग अ जॉब ठीक है गाइस ये आ गया आपका स्ट्रक्चर ये सब मैंने आपके लिए एक्शंस लिखे हुए हैं ताकि अगर आप ना भी सोच पाएँ तो ये एक्शंस को प्रैक्टिस कर पाएँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने पास से प्रैक्टिस कर लेते हैं बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो तो थोड़ा सा देर से समझते हैं ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ पाते बट उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है तो उनके लिए एक्शंस लिखे हुए हैं आपको कुछ नहीं करना आपको बस दस बार ये सेंटेंस बोलना है जैसा कि कैन यू हेल्प मी इन मेकिंग द प्रोजेक्ट Can you help me preparing the food? Can you help me in cleaning the house? Can you help me doing the preparation for the party? Can you help me lifting these gifts? Can you help me filling the water? Can you help me teaching? Can you help me solving numericals? Can you help me finding a job? सो so गाइज अगर आप इसको बोलेंगे ना अभी आपको लंबा सेंटेंस लग रहा है बट अगर आप इसको टेन टाइम्स बोलेंगे जितने आपको एक्शन दिख रहे हैं आपकी टंग की ट्रेनिंग हो जाएगी आप अच्छे से फ्लो लेस इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे सो आई होप दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी क्लियर टू यू बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है जनरल लैंग्वेज में हमें बोलना पड़ता है सो अगेन आई वुड लाइक टू से यू बाय वी विल बी मीटिंग टू विद अ न्यू क्लास थैंक यू सो मच